सभी भक्त जनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको अति निद्रा से बचने का योग बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, उसी का अगला भाग आज कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम। आज आपको बता रहा हूँ कि आपको कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम करने से ऑक्सीजन की सप्लाई शरीर में बहुत तेज़ हो जाती है, विशेषकर मस्तिष्क में, और हम लोग के न्यूरॉन सक्रिय हो जाते हैं, और जो सुस्त पड़ रहे होते, जो हमारे सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं जिनमें एनर्जी का लेवल बहुत नीचे हो गया, उनमें जागृति आ जाती है और हमारा शरीर जाग जाता है, स्वस्थ और ताज़ा हो जाता है। तो अब उसके लिए किसी भी ध्यान आसन पर बैठ जाएं, और जो नाड़ी शोधन बताया था और अनुलोम विलोम भी, उसके लिए भी किसी ध्यान आसन पर ही बैठ के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिक आसन, भद्रासन आदि। यदि नहीं बैठ सकते हैं तो ठीक है, कहीं आप कुर्सी पर भी या पलंग पर भी बैठ करके कर सकते हैं। तो बैठ जाएंगे और प्राण मुद्रा लगा लेंगे। ये जो दो उंगलियां हैं इनको मिला लेंगे अंगूठे से छोर को, बाकी दो उंगली ये फ्री रहेगी और सीधा बैठ जाएंगे। और कपाल भाती में सांस को झटके से बाहर फेंकते हैं और श्वास भरने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि निकालने की कोशिश करते हैं। श्वास खुद ब खुद भरेगी। एक चीज और, इसको मशीन की तरह नहीं करना है। बहुत लोग इसे मशीन की तरह करते हैं तो ये एक एरोबिक एक्सरसाइज जैसा नहीं है। यह आपको इसको मुस्कुराते हुए करना है, खुशी मन से करना है, बिना तनाव के इसको करना है। ये ध्यान रखिए। अब इसके बाद यह मैंने आपको थोड़ा सा करके दिखाया, परंतु आप इसे 108 बार कम से कम करेंगे और फिर जैसी आवश्यकता है उसके हिसाब से इसको बढ़ाएंगे। बहुत ज़्यादा भी करके शारीरिक थकावट नहीं करनी है, लेकिन कम से कम 108 बार आपको करना है। और इसे आप 300-400 बार तक आराम से ले जा सकते हैं। अब इसके बाद आपको बता रहा हूँ सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम में दाई नाक से सांस भरेंगे और छोड़ेंगे, और झटके से सांस भरेंगे और छोड़ेंगे, और फिर जोर से खींच लेंगे सांस को ऊपर और रोक देंगे सांस को, यानी कुंभक कर देंगे और रोके रखेंगे। सुखपूर्वक जितना रोक सकते हैं रोकेंगे, बहुत तनाव देकर नहीं रोकना है, और उसको फिर छोड़ देना है आराम से। क्योंकि जब हम सांस रोकते हैं तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो कंज्यूम होता है, इसीलिए आपको सांस बहुत देर नहीं रोकनी है, ये ध्यान रहे।
ऐसा ऐसा 11 बार कम से कम करेंगे और 108 बार तक ले जाने का विधान है। अब इसके बाद चंद्रवेदी बता रहा हूँ, जिसमें दाई नाक से इसी क्रिया को दोहराते हैं और उसमें भी सांस ज्यादा देर तक नहीं रोकेंगे, कम देर तक रोकेंगे और 19 बार झटके से सांस छोड़ेंगे और लेंगे। जो हमारी चंद्र नाड़ी है वो हमारे मस्तिष्क पर नियंत्रण करने के लिए होती है, तो मस्तिष्क पर नियंत्रण चाहिए, इसीलिए चंद्रभेदी और चंद्र प्राणायाम बहुत लाभ करता है। मैं आपको चंद्रभेदी बता रहा हूँ, फिर चंद्र प्राणायाम भी बताऊंगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, सभी प्राणायाम को मुस्कुराते हुए मस्ती में करना है, सुख पूर्वक करना है, बिना स्ट्रेस के, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन से भी हमें नींद आती है। स्ट्रेस हार्मोन जब बनता है कॉर्टिसोल तो नींद आती है। हमें शरीर में एंडोर्फिन बढ़ाना है, तो जब एंडोर्फिन बढ़ेगा तो हम खुश होंगे, सुखी होंगे और उससे तरोताजा होंगे, उससे एनर्जी लेवल बढ़ेगा, उससे जीवन शक्ति प्राण शक्ति बढ़ेगी और उससे नींद कम आएगी, तामसिक प्रवृत्ति तामसिक गुण घटेंगे। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, यहाँ जो लोग तामसिक भोजन करते हैं यानी मांस मछली अंडा ये सब खाते हैं, बासी भोजन खाते हैं, और बासी भोजन का मतलब जो जो भोजन पके हुए 40 मिनट से ज़्यादा हो गया वो बासी भोजन हो गया, और जो डब्बे बंद पैकेट में जो भोजन आते हैं वे सब खाते हैं, तो ये सब सब तामसी भोजन है। और जो भोजन शरीर में अत्यधिक गर्मी बढ़ाते हों वे सब सब तामसी भोजन है। शरीर में अत्यधिक ज्वलनशीलता उत्पन्न करते हों, शरीर जलता हो जिनको खाने से, तो अत्यधिक ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। जो भोजन बहुत शरीर में एसिड बनाते हैं, खट्टी चीज़ें हैं एसिड बनाती हैं, तो इन एसिड से बचना चाहिए। एसिडिक भोजन आप लेंगे तो आपको नींद ज़्यादा आएगी, तो एसिडिक भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि वह एसिड जो है क्षय करता है शरीर में, अम्ल उत्पन्न करता है, और अम्ल उत्पन्न करने से शरीर टूटने लगता है, ब्रेक होता है। जो बहुत ज़्यादा प्रोटीनस भोजन लेते हैं कि हम बॉडी बिल्डिंग करेंगे, तो उनको भी बहुत नींद आती है। शरीर में ज़्यादा प्रोटीन भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा प्रोटीन भी नुकसान करता है, इस चीज़ का सदैव ख्याल रखना चाहिए। फल जो हैं वे बहुत अच्छे होते हैं, फल से आप में ताजगी बढ़ती है, सूप लें, सूप अच्छे होते हैं। तो अब मैं आपको यह बता रहा हूँ कि चंद्र प्राणायाम मैंने बताया था आपको, कि उसको मैं बताता हूँ आपको। चंद्र प्राणायाम में क्या करते हैं, बाएं नाक से सांस लेते हैं और बाएं नाक से ही सांस छोड़ते हैं, और लंबी लेते हैं लंबी छोड़ते हैं, आराम से लेते हैं आराम से छोड़ते हैं, मुस्कुराते हुए लेते हैं मुस्कुराते हुए छोड़ते हैं। इस तरह से आपको करना है, नाभि आपके अधिक से अधिक पीछे जानी चाहिए, ये ध्यान रहे, लेकिन ज्यादा जोर भी नहीं लगाना है। अब इसी तरह से है भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम से भी बहुत तो शरीर को ऊर्जा मिलती है, शरीर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, दिमाग तरोताजा हो जाता है, नींद भाग जाती है। और इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको दो विधियों से किया जाता है। तो पहली विधि आपको बता दूं कि 9 बार सांस को, जैसे अभी सूर्य भेदी चंद्र भेदी किया था उसी तरह से 9 बार सांस को जोर से लेंगे जोर से छोड़ेंगे, लंबी लेंगे लंबी छोड़ेंगे, बस झटके से नहीं लेना है, लंबी लेना है लंबी छोड़ना है,
और 10वीं बार उसको रोक देंगे और सुखपूर्वक थोड़ी देर तक रोकेंगे, पुनः जो है उसको छोड़ देंगे। और इस के साथ ही हम क्या करेंगे कि खेचरी मुद्रा लगाएंगे, यानी जीभ को पलट देंगे पीछे। जब ऊपर से रस हमारा टपकता है, विशेष रस बनता है, तो उससे भी जागृति आती है क्योंकि जीवन शक्ति बढ़ती है। अब इसी क्रिया को दाएं नाक से करेंगे। अब आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। भ्रामरी प्राणायाम में क्या करते हैं कि श्वास भर लेते हैं और गुनगुनाते हैं। भ्रामरी प्राणायाम से क्या हो रहा है कि पूरा दिमाग सक्रिय हो जाता है, एक एक तंतु सक्रिय हो जाता है, और गला भी सक्रिय हो जाता है, और नथुने वगैरह सक्रिय हो जाते हैं, कान सक्रिय हो जाते हैं, पूरा क्षेत्र हृदय फेफड़ा सब सक्रिय हो जाते हैं, और इनमें नव जीवन का संचार होता है और इससे नींद आपकी भाग जाएगी। मैंने आपको 2 बार करके दिखाया, आपको कम से कम 11 बार करना है और अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार इसे आगे बढ़ाते जाना है। अब मैं आपको प्रणव प्राणायाम बताना जा रहा हूं। प्रणव प्राणायाम में अ उ म की ध्वनि का उच्चारण करते हैं और लंबा उच्चारण करते हैं और निरंतर उच्चारण करते हैं, बिना ब्रेक के करते हैं, और एक उच्चारण 16 सेकंड या उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। जिनका कम होता है इसका मतलब अभी वे उसको पूरा करने में समर्थ नहीं हुए हैं और अभी वे रोगी भी हैं। रोगी आदमी कम कर पाते हैं, तो जब आप इसको करेंगे तो आपकी नींद भाग जाएगी।
आप में नवजीवन का संचार होगा। देखिए, सांस को पूरा भर लीजिए पहले और उसके बाद उच्चारण कीजिए। ऐसे करना है आपको कम से कम 11 बार, अधिक से अधिक आप अपनी आवश्यकता अनुसार और इच्छा अनुसार कर सकते हैं। एक बात और बता दूं, प्राणायाम करने से भूख बहुत लगेगी परंतु आप ज्यादा भोजन नहीं करेंगे। यदि आपने किया तो फिर नींद आएगी, ये ध्यान रहे। और जो भोजन करेंगे वो रसाहार करेंगे, भारी भोजन नहीं करेंगे। अब एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, आप एक मेरा वीडियो पड़ा हुआ है जल नीति का। जल नीति करने से नींद एकदम भाग जाती है, नींद आएगी नहीं और दिमाग तरोताजा होगा, दिमाग थका हुआ नहीं रहेगा थोड़ा भी। कितना भी आप मानसिक परिश्रम किए हुए हैं थका हुआ नहीं रहेगा। तो उस वीडियो को आप देख लें, उसमें करना कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूं, बहुत आसान होता है। किसी भी पात्र में आप पानी ले लें, पानी शरीर के तापमान के बराबर होना चाहिए, उसमें चुटकी भर नमक डाल दें, उसको चला दें, मुंह को खुला रखें और एक नाक से पानी डालें, सिर को थोड़ा टिल्ट कर दें, झुका दें और पानी को इधर से अपने आप गिरने दें, पानी अपने आप गिरेगा इधर से। फिर इसी क्रिया को इधर से करें, इस नाक में डालें, इधर से गिरेगा और बाद में नाक को पूरा छींक छींक करके सारा पानी निकाल दें, और ऐसे करके भी पीछे करके भी उसका पानी निकाल दें और खखार खखार के भी पानी निकाल दें। तो इस क्रिया को करेंगे जल नीति को, मेरा वीडियो देख लीजिएगा। मैं यहाँ संक्षेप में आपको बता दिया, करके दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि वो दोहराव नहीं करना चाह रहा। तो आप जो है उसे पूरा तरोताजा महसूस करेंगे, सारी थकावट दूर हो जाएगी और आंखों में तनाव दूर हो जाएगा। आंखों में जो तनाव आ जाता है जिसके कारण नींद आ जाती है वह समाप्त हो जाएगा। जो कूर्म वायु जो होते हैं तो वे सब जो हैं इसके लिए बहुत जिम्मेवार होते हैं, नींद के लिए, आंखों में भारीपन लाने के लिए। और आपको अब बता रहा हूं मैं कि एक समवेत प्राणायाम है, उसको कीजिए, वह भी इसके लिए बहुत लाभकारी है। उसमें श्वास को भरेंगे, आराम से श्वास को रोकेंगे और आराम से सांस को छोड़ देंगे। और दोनों नथनों से सांस भरेगी और दोनों नथनों से सांस निकल जाएगी। और आराम आराम से इसको करना है, मुस्कुराते हुए करना है। ये ध्यान रखिए कि ज़्यादा देर नहीं रुकनी है। सामान्यतः प्राणायाम में ज़्यादा देर रुकने का अभ्यास कराया जाता है, लेकिन आपको ज़्यादा देर सांस नहीं रोकनी है। उससे शरीर में ऑक्सीजन लेवल जो है आपका गिर सकता है, आपको अधिक से अधिक सांस भरनी है, ये ध्यान रहे। तो इन क्रियाओं को आप अभी करेंगे तो
तो आपकी अति निद्रा चली जाएगी। वैसे इसको ज़्यादा करके निद्रा भी शरीर के लिए आवश्यक है, क्योंकि तो शरीर की हमारी थकावट दूर होती है और बहुत सारी जो हमारी कल्पनाएं हैं वो साकार होती हैं। नींद के समय जो हम स्वप्न में जाते हैं तो वो साकार होती है। वैसे महर्षि पतंजलि जी ने नींद को एक वृत्ति का, चित्त के वृत्ति, तामसी प्रवृत्ति के का होता है। तो यह जो है, यह इस वृत्ति का जब निरोध हो जाता है तो हमारा चित्त यानी मस्तिष्क हमारा चमकने लगता है, हमारी चेतना जागृत हो जाती है और हम नींद पर जीत हासिल कर देते हैं, गुड़ाकेश कहलाते हैं, जैसे लक्ष्मण जी ने हासिल की थी, जैसे अर्जुन ने हासिल की थी, और अभी आधुनिक समय में जैसे राम मनोहर लोहिया ने हासिल की थी। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। मैंने इसका बहुत सारा प्रयोग किया हुआ है। एक बार मैं लगातार 3 दिन 3 रात तक प्रवचन किया था आदर्श नगर में। तो इसका मैंने अनुसंधान किया था काफ़ी, तो मुझे इसका अच्छा अनुभव है। और आपको यह बताऊं मैं कि जो थोड़ा कमज़ोर दिमाग के हैं वे इसे ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि कमज़ोर दिमाग वालों को यदि नींद नहीं आए तो पागल होने का खतरा रहता है, या ध्यान रखिएगा मस्तिष्क बहुत गर्म हो जाएगा, बाद में बहुत हीट हो जाता है। तो इसलिए कुछ सो भी लिया करें, अति निद्रा से बचें, और पूर्ण जागृति अगर चाहिए तब फिर आपको रिस्क लेना है। और मैंने जो बताया इसमें मेरी जो है कोई वो नहीं है, आप अपने रिस्क पर ही करेंगे, और आपको किसी प्रकार की कोई जो क्षति होती है तो उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, आप स्वयं जिम्मेवार हैं। तो इसलिए आप स्वयं भी और अति निद्रा से बचें, बस इसी के लिए बनाया हूँ। पूर्ण जागृति के लिए यदि आपको करना है तो आप अपनी जिम्मेवारी पर करेंगे, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। और जो है आप किसी के देख रेख में योग्य व्यक्ति के करें तो अच्छा होगा, अगर पूर्ण जागृति के लिए करना है तो। और अति निद्रा के लिए जो मैंने वीडियो बना दिया है काफ़ी है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा प्राणायाम करेंगे तो नींद एकदम भाग जाएगी, तो कितने लोग घबरा जाते हैं और दवाई लेने लगते हैं नींद के लिए कि अब कहीं ऐसा तो नहीं होगा हमारी नींद आएगी नहीं, तो दवाई नहीं लेनी है अन्यथा प्रतिक्रिया होती है, आपको नींद आ जाएगी। आप अगर प्राणायाम करेंगे और भारी खाना खा देंगे तो नींद आ जाएगी, और नींद कैसे लाई जाती है उसका भी लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो नींद ले आएंगे। लेकिन जिन लोगों की शिकायत है कि उन्हें बहुत नींद आती है उन्हीं के लिए यह वीडियो बनाया गया है, तो इसका प्रयोग करें, इसका लाभ उठाएं। और इसके बाद जो है यदि आपके पास समय है तो आपको मैं ध्यान बताता हूँ, उसको करें, और ध्यान प्रक्रिया से नींद नहीं आती है, नींद भाग जाती है। इसके लिए आपको एक ध्यान आसन पर बैठना है, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, सुखासन, स्वस्तिक आसन आदि, और इसे बैठ करके आप ध्यान मुद्रा लगा लें, या वैराग मुद्रा लगा लें, या ज्ञान मुद्रा लगा लें, इनमें से कोई भी मुद्रा लगा लेंगे तो आप करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने वैराग मुद्रा लगा लिया और बैठ गया, अब इसके बाद श्वास पर ध्यान देंगे और लंबी सांस लेंगे, पूरा श्वास को महसूस करेंगे कि सांस मैंने लिया, सांस को गहराई तक महसूस करना है और फिर सांस को गहराई तक छोड़ देना है। अब इसमें करना आपको यह है कि जितना छोड़ेंगे उससे ज्यादा आपको सांस भरना है। अमूमन ऐसा होता है कि जितना लिया जाता है उससे ज्यादा छोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको श्वास ज्यादा भरना है, यानी श्वास की लंबाई बहुत होनी चाहिए।
तो लेना और छोड़ना को आपको सम कर देना है। तो जब सम स्थिति हो जाती है, जितना लेंगे उतना ही छोड़ेंगे, तो दिमाग सम अवस्था में हो जाता है। जब हम सांस ज्यादा छोड़ते हैं और लेते कम है तो हम नींद में चले जाते हैं, ये सदैव ध्यान रखिए। नींद में जाने के लिए सांस का ज्यादा छोड़ना जरूरी है। अब आपको लगातार श्वास का अनुरीक्षण करना है, सांस की जांच करनी है, सांस के स्वर की, सांस के ध्वनि की, सांस के प्रभाव की, और सांस का विचार के साथ और दिल के संबंधों के साथ, दिल की धड़कन के साथ जो संबंध है उन उसके साथ क्या संबंध है, इसकी आपको जांच करनी है। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आप अपने चित्त की जो भी वृत्तियां हैं उनको आप बाहर कर सकते हैं। तो जो भी वृत्ति है, नींद है, तो आप भावना कर सकते हैं कि नींद हमारी बाहर जा रही है। आप ये भावना कर देंगे कि हमारे में शरीर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल गया और शरीर में ऑक्सीजन भर गया, शरीर में बाहर से जैविक ऊर्जा पूरी भरपूर हो गई। तो इस तरीके से आप इसे करेंगे तो आपकी जो अति निद्रा है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी बात है कि अति निद्रा उन लोगों के लिए भी एक परेशानी है जो बहुत ही ज्यादा शरीर का वजन रखते हैं। तो अपने वजन को थोड़ा लिमिट कीजिए, इसके लिए कुछ योगासन वगैरह कीजिए, जैसे पश्चिमोत्तानासन, पूर्ण पश्चिमोत्तानासन और जानुभालासन। तो अगर आप जानुभालासन और पूर्ण पश्चिमोत्तानासन करेंगे तो आपके शरीर का वजन घट जाएगा और तब आप अति निद्रा के जो शिकार हैं उससे आप बच जाएंगे। ओ